नमस्ते, मैं मोना, आपका मेरा चैनल देसी गर्ल एंड यूरोप में स्वागत करती हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब मैं यहाँ पे जर्मनी में मूव हुई थी तभी ऐसी थोड़ी बहुत बातें थी जो मुझे देखकर या सुनकर थोड़ा नया लगा था कि नहीं, ये मैंने पहले नहीं देखी है या नहीं सुना है, ये मेरे लिए कुछ नया है। तो ऐसी थोड़ी बहुत बातें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज के वीडियो में। तो जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, और आपको मेरी कंटेंट पसंद आए तो आपके रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। तो अभी हम बात करते हैं यूनिक थिंग्स अबाउट जर्मनी। जब आप जर्मनी में मूव हो रहे हो तो आप एयरपोर्ट से लेकर घर तक ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आप देखोगे कि वो आपको नया लग रहा है कि नहीं, ये कुछ अलग है, ऐसा इंडिया में नहीं था। तो उसके बाद भी आप जब घर में आते हो तो घर में भी ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको देखकर थोड़ा इंडिया की कंपैरिजन में थोड़ा अलग लगेगा। तो मैं आपको शुरुआत घर से करती हूँ। तो पहली चीज़ है जो घर में मुझे नई लगी वो है विंडो। यहाँ की विंडो थोड़ी अलग है। यहाँ क्या है कि जब मैं यहाँ पे नई आई थी तभी मैंने विंडो ओपन करने की कोशिश की, तभी मैंने उसका हैंडल घुमाया तो ये पूरा उल्टा ही घूम रहा था। तो मैंने घुमाया तो ये विंडो मुझे ऐसा लगा था कि ये अभी गिरेगी मेरे ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं था। ये ऊपर से ओपन होती है और नीचे से पूरा लॉक होता है। तो वो उसको बोलते हैं कि वो टिल्ट करते हैं, वो विंडो को ऐसा बोलते हैं। तो एक और चीज़ है घर में कि यहाँ पे हाउस नंबर कहीं पे भी नहीं दिए गए होते हैं, जैसे इंडिया में होता है ना कि हम किसी को एड्रेस देते हैं तो बोलते हैं कि मेरा घर ये ब्लॉक में है, मेरे घर नंबर ये है, ऐसा हम एड्रेस देते हैं किसी को। लेकिन यहाँ पर हाउस नंबर वाली सिस्टम कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर कैसा होता है कि सिर्फ हम जो बिल्डिंग में रहते हैं उसी का ही नंबर होता है, और जो रास्ते पे हमारा घर पड़ता है वो रास्ते का नाम, सिर्फ इतना ही एड्रेस होता है। और वहाँ पे बिल्डिंग के जो मेन डोर है उसके बाजू में जो जो लोग रह रहे हैं बिल्डिंग में उन लोगों के नाम लिखे हुए होते हैं, और उसके बाजू में बेल का बटन होता है और छोटा सा स्पीकर। तो जब भी कोई अनजान आदमी या पोस्ट वाला, कुरियर वाला कोई भी आता है या हमारा फ्रेंड्स आता है तो वो वहाँ पर हमारा नाम देख के वो बेल का बटन दबाएगा। तो तब भी घर में एक फ़ोन होता है यहाँ पे, तो हमें वो फ़ोन लेके उसको पूछना है। हम पूछ सकते हैं कि कौन है, किससे मिलना है, क्या काम है, ऐसी हम बात कर सकते हैं। तो अभी अगर कोई अनजान आदमी आता है तो हमें पता चलता है। तो ये चीज़ सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छी है। और उसके बाद फ़ोन के साइड में एक ब्लू बटन होता है, तो हम वो प्रेस करता है तो नीचे बिल्डिंग का जो मेन दरवाज़ा है वो ओपन होता है। तो ये प्रोसेस थी जो मुझे थोड़ा अजीब लगा था। हमारे इंडिया में तो जैसे कोई आता है तो डायरेक्ट हम दरवाज़ा खोल देते हैं, ऐसा होता है, लेकिन यहाँ कुछ नया था। जब मैं जर्मनी में नई नई आई थी तब भी मैं पानी का मटका ढूंढ रही थी कि सुबह उठ के चलो वाटर प्योरीफाई स्टार्ट करना है, मटका साफ़ करना है, पानी भरना है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर सभी लोग टैप वाटर ही पीते हैं। और जो जर्मन लोग हैं वो लोग क्या करते हैं कि हम जैसे सुपरमार्केट में जैसे ग्रोसरी खरीदने जाते हैं, वैसे वो लोग ग्रोसरी के साथ साथ पानी भी खरीदते हैं, वो पानी भी खरीद के पीते हैं। और मुझे ये थोड़ा अजीब लग रहा था कि पानी की ज़रूरत तो अनलिमिटेड है, तो हम पानी खरीद के भी कितना खरीदेंगे। और यहाँ पे पानी भी दो टाइप का मिलता है, एक नॉर्मल पानी हम जो पीते हैं वो, और स्पार्कलिंग वाटर जो सोडा जैसा आता है। और ऐसा पानी पीने वाले लोग भी कई हैं जो ऐसा पानी भी पीते हैं। हमारे जैसे है जो इंडिया से मूव हुए हैं वो लोग तो डायरेक्ट टैप वाटर ही पियेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि टैप वाटर ख़राब आता है, ऐसा कुछ टैप वाटर भी यहाँ पे प्योरीफाइड आता है, तो वो एक अच्छी बात है। एक और चीज़ है घर में कि जैसे हम देखते हैं ना कि बड़ी फैक्ट्री में या बड़ी बड़ी कंपनी में सिक्योरिटी के लिए फायर अलार्म होते हैं, तो यहाँ पे ऐसे फायर अलार्म हर घर में होते हैं, वो कंपलसरी है बाय लॉ। और अगर हमने ऐसा कुछ खाना बनाया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा धुआं हुआ है तो वो फायर अलार्म एक्टिव हो जाता है, और हमने वो अलार्म एक दो मिनट में बंद नहीं किया तो वो सिग्नल वो फायर डिपार्टमेंट में पहुंच जाएगा, और थोड़े ही देर में अगर फायर ब्रिगेड आ गई घर में और उनको आग नहीं मिली तो फिर हमें फ़ाइन भरना पड़ेगा। तो ये थोड़ी अजीब बात है। तो कोशिश कीजिएगा कि जब आप खाना बना रहे हो और उसमें ज़्यादा धुआं हो रहा है तो सभी विंडो ओपन करके बनाएं, और इसकी जिसकी वजह से ज़्यादा धुआं इकट्ठा ना हो तो ये प्रॉब्लम ना हो। इंडिया में जैसे देखते हैं ना कि हम दरवाजे में डोर को अंदर से लॉक करना होता है तो वहाँ पे स्टॉपर वाली सिस्टम होती है, तो यहाँ पे अगर हमें दरवाज़ा अंदर से लॉक करना है तो यहाँ पे कोई स्टॉपर नहीं है, सिर्फ हैंडल है, उसके नीचे चाबी लगी हुई होती है और हमें सिर्फ उसको घुमाना है और लॉक हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कोई स्टॉपर नहीं। और
और उसमें भी मेन डोर में सिर्फ अंदर की साइड ही हैंडल होता है, बाहर हैंडल नहीं होता है। तो जब भी हमें मेन डोर को अंदर से लॉक करना है तो हमें सिर्फ दरवाजे को धक्का लगाना है तब भी वो डोर लॉक हो जाएगा, और जब भी उसको खोलना, बाहर से कोई खोलने की कोशिश करे तभी उसको चाबी की ज़रूरत पड़ती ही है। तो अभी मैं थोड़ी यूनिक थिंग्स रेस्टोरेंट के रिलेटेड बताती हूँ कि जब हम रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ, तो अगर फ्रेंड्स के साथ जाता है कोई फ्रेंड ऐसा है जिसको पैसा नहीं निकालना है और हमें ही सिर्फ खर्चा करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे एक फ़ायदा है उसके लिए कि यहाँ पे रेस्टोरेंट में वेटर हमें पूछेगा बिल बनाते समय कि आपको सब साथ में पे करना है या अलग अलग पे करना है, मतलब वो पूछेगा टुगेदर और सेपरेट। तो हम ये बोल सकते हैं कि मुझे मेरा पेमेंट ही करना है, सब लोग अपना अपना पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि यहाँ पर पेमेंट्स अलग अलग भी होते हैं, जैसे इंडिया में सब एक ही बिल बनता है वैसा नहीं है यहाँ पे, मतलब सब साथ में भी करते हैं, लेकिन जो लोग ऐसे कोई कंपनी के कलीग्स या सब लोग गए हैं सब साथ में लंच या डिनर करने के लिए, तो वो लोग ऐसा भी डिसाइड करते हैं कि हम अपना पेमेंट खुद से देंगे, तो वो अलग अलग बिल के हिसाब से ही पेमेंट करते हैं। और जैसे मैंने एक बार आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे पानी हमें फ्री में नहीं मिलेगा, हमें ख़रीदना पड़ता है, तो जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि पानी की जगह बियर पीते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी से सस्ता तो बियर मिलता है, पानी की प्राइस ज़्यादा होती है। जब हम रेस्टोरेंट में लंच या डिनर करने के लिए जाते हैं और अगर आप अपने कोई लोकल जर्मन फ्रेंड्स के साथ गए हो और आप ड्रिंक स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके पहले हम प्रोस्ट या चीयर्स बोलते हैं, तो ये लोग ऐसा मानते हैं कि जब आप चीयर्स करो तो एक दूसरे की आंखों में देखकर आई कांटेक्ट के साथ ही चीयर्स करो। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो लोग ऐसा मानते हैं कि कुछ बैड लक होता है। और एक और चीज़ कि जैसे आप सब जानते ही होंगे कि हमारे लिए जो फॉरेनर्स है वो लोग ड्रिंक्स के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, पता नहीं बहुत सारी वैरायटी होती है, वो लोग क्या क्या पीते रहते हैं, लेकिन सभी लोग वो चिल्ड पीना ही पसंद करेंगे। और यहाँ पे एक ड्रिंक ऐसी है जो सब गरम पीते हैं, गरम मतलब कितना, जैसे हम कॉफ़ी के कप में से जैसे स्टीम बाहर निकलती है ना, उतना गरम वाइन पीते हैं, तो उसका नाम है ग्लू वाइन, और वो सिर्फ यहाँ पे साल के 2 महीने में ही पीते हैं, वो क्रिसमस के टाइम पे ही। तो अभी क्रिसमस मार्केट यहाँ पे शुरू होने को ही है, तो मैं जब जाऊँगी तभी मैं आपको दिखाऊँगी। तो अभी मैं आपको बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में दो वियर्ड थिंग्स बताती हूँ कि यहाँ पे लोग कैसा करते हैं कि हम जिसका बर्थडे है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे में कैसा होता है कि किसी का बर्थडे है, फ्रेंड्स का बर्थडे है, तो हम सब साथ में मिलके उसके लिए केक लेके जाते हैं, कुछ सरप्राइज प्लान करते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग कैसा करते हैं कि जिनकी बर्थडे होती है वो खुद ही केक प्रिपेयर करेगा, और ऐसा मानते हैं कि एडवांस में कोई बर्थडे विश नहीं कर सकता, हम एडवांस में किसी को विश करते हैं तो वो यहाँ पे ये लोग नहीं करते, इसमें भी सब ऐसा मानते हैं कि वो बैड लक होता है, ये उन लोगों का सुपरस्टिशन है। अभी मैं थोड़ी बातें छोटे बच्चों के बारे में बताती हूँ कि यहाँ पे स्विमिंग सीखना कंपलसरी है, वो बच्चों के लिए नहीं सभी के लिए, लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स कैसा करते हैं कि बच्चा 1-2 साल का होता है तभी से उसको स्विमिंग सीखने के लिए भेज देता है। और मुझे वो जान के थोड़ा अजीब लगा था जब मैं यहाँ हमारे एक लोकल फ्रेंड्स है जर्मन, उनके साथ हम बाहर गए थे, वो बीच नहीं था, एक छोटा सा आइलैंड जैसा था, वहाँ पे डायरेक्ट गहरा पानी था, तो मुझे अभी भी स्विमिंग आती नहीं है, लेकिन तो मैं वहाँ पे साइड में बैठी थी तो मैं देख रही थी कि वो पेरेंट्स अपने बच्चों को सेफ्टी जैकेट्स पहना के पानी में भेज देते थे और वो उसकी परवाह नहीं करते थे। मुझे दूर बैठे बैठे मुझे कुछ हो रहा था कि नहीं ये बच्चा अभी जाएगा, उसको कुछ हो जाएगा, लेकिन वो लोग परवाह नहीं करते थे, वो बच्चा जो करता है उसको करने देते हैं। और हमारे कल्चर में कैसा है कि हमारे पेरेंट्स अभी भी हमारी चिंता करते हैं कि तू ये मत कर, तुझे कुछ हो जाएगा, मतलब वो हमारी परवाह करते हैं, यहाँ पे ये लोग ऐसा कम करते हैं। एक दूसरी चीज़ है बच्चों के रिलेटेड कि यहाँ पे कोई पेरेंट्स, बच्चा 4-5 साल का होता है तो कोई पेरेंट्स उसको स्कूल में लेने के लिए या छोड़ने के लिए नहीं जाता है। मुझे पता है मेरे घर के सामने ही एक स्कूल है, तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पे कई सारे बच्चे हैं जो खुद से आते हैं स्कूल में, और नज़दीक है तो वो ट्राम में या साइकिल लेके आता है। तो ये थोड़ा अजीब है कि यहाँ के पेरेंट्स 4-5 साल से ही बच्चे को ऐसा अकेला छोड़ देते हैं, और इंडिया में पेरेंट्स बच्चों को अकेला कम छोड़ते हैं। तो अभी मैं एक तो बातें यूनिक चीज़ जो पेट एनिमल्स के रिलेटेड है वो बताती हूँ कि यहाँ पे जर्मनी में सभी लोग पेट डॉग ज़्यादा रखते हैं एज अ पेट एनिमल, बिल्ली भी रखते हैं लेकिन वो कम लोग हैं जो बिल्ली भी रखते हैं, लेकिन यहाँ पे कुत्ते ज़्यादा रखते हैं सब लोग।
और यहाँ पे कैसा होता है कि जैसे हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, सिटी में मूव होता है तो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं हमारा सिटी रजिस्ट्रेशन, वैसे सेम चीज़ कुत्तों के लिए भी होती है। कुत्तों का भी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है और उनको भी ट्रेनिंग दिलवानी पड़ती है, वो बिना ट्रेनिंग के हम उसको नहीं रख सकते। तो ये एक चीज़ है। और एक थोड़ा फ़नी चीज़ है जो मैं अभी आपको बताती हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा फ़नी लगा था, कि अगर हमें पेट डॉग रखना है तो कैसा होता है कि हमारे लिए तो घर में टॉयलेट होते हैं, लेकिन पेट एनिमल्स के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जैसे उसका मालिक उसको नीचे चलने के लिए या फ्रेश होने के लिए लेके जाता है, उसको गासी बोलते हैं जर्मन में, तो जब भी वो नीचे लेके जाता है उसका मालिक, तभी जब वो कुत्ते का काम ख़त्म हो जाता है तभी मालिक को क्या करना पड़ता है कि उसको खुद को हाथ में प्लास्टिक की थैली लगाकर वो साफ़ करना पड़ता है और उसको डस्टबिन में डालना पड़ता है। तो अगर जो भी पेट एनिमल्स रखने का सोच रहे हैं जर्मनी आने के बाद, तो सोच लीजिए कि आपको ये सब भी करना पड़ेगा। तो वैसे मुझे लगा था कि ये फ़नी चीज़ है, लेकिन अच्छी बात है कि ये लोग सफाई का इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ के जर्मन लोगों के बारे में, कि उन लोगों को घूरने की आदत बहुत ज़्यादा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो हमारे जैसे फॉरेनर्स को बहुत ही घूरते हैं। अगर मैं ट्राम में जा रही हूँ या बस में कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, तो वो लोग क्या करता है, अगर हमारा किसी का कॉल आता है फैमिली में से, तो हम हमारी मदर टंग में बात करता है, तो उनको कुछ अलग सुन के या देख के थोड़ा अजीब लगता है, तो वो कंटिन्यूसली घूरते रहता है। कई बार तो मैंने देखा है कि हम उनको देखते हैं जब वो हमें घूर रहे हैं, हम उनको देखते हैं तभी वो नज़र नहीं बदलते हैं, फिर भी वो घूरते ही रहते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको जो चीज़ें बताई वो मुझे थोड़ी वियर्ड और यूनिक लगी थी जब मैं यहाँ पे मूव हुई थी तभी। आप सबके ओपिनियन अलग अलग होंगे, अगर किसी को भी ऐसा सेम एक्सपीरियंस हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरा वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको मेरी कंटेंट पसंद आती हो और मेरे वीडियोज़ भी पसंद आते हो। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।